गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में। बात करेंगे यहां पर जितने भी मैचेस सर्वाइवर सीरीज के अंदर है उन मैचेस के क्या बैटिंग ऑड्स हैं और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है ये यहां पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहना पूरे एंड तक, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे, तो फिर बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। तो सर्वाइवर सीरीज की अगर ओवरऑल बात की जाए तो 6 मैचेस अभी तक ऑफिशियल हुए हैं सर्वाइवर सीरीज में, जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वुमेन सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच की। तो इस मैच में अगर बैटिंग ऑड की बात की जाए तो बैटिंग ऑड जो फेवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीम स्मैकडाउन को। तो टीम स्मैकडाउन को यहाँ पर बैटिंग ऑड जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं और टीम स्मैकडाउन जीतने वाली है इस मैच को। चलते हैं मैन सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच की तरफ, और इस मैच की तरफ अगर हम जाए तो इस मैच में जो बैटिंग ऑड फेवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीम रॉ को। तो टीम रॉ जीतने वाली है इस मैच को बैटिंग ऑड्स के हिसाब से। चलते हैं अगले मैच की तरफ, और अगला मैच देखने को मिलेगा हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बॉबी लैशले वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। इस मैच की अगर हम बैटिंग ऑड्स की बात करें तो बैटिंग ऑड्स जो फेवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉबी लैशले को, और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से बॉबी लैशले हराने वाले हैं सैमी ज़ेन को इस मैच के अंदर। चलते हैं अगले मैच की तरफ, और अगला जो मैच देखने को मिलेगा ये मिलेगा रॉ टैग टीम चैंपियन द न्यू डे वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट। और इस मैच की अगर हम बैटिंग ऑड्स की बात करें तो ये एक ऐसा इकलौता मैच है जहां पर बैटिंग ऑड्स जो है वो एकदम इक्वल है, मतलब दोनों ही को बराबर यहां पर फेवर किया जा रहा है और इस मैच में कोई भी जीत सकता है। और इसके जो बैटिंग ऑड्स हैं, हालांकि अभी समय है सर्वाइवर सीरीज में, तो आगे चलकर बैटिंग ऑड्स जो है वो चेंज होंगे और फिर दोनों में से किसी एक टीम को फेवर किया जाएगा। बट फिलहाल अगर बैटिंग ऑड्स की बात करें तो इस वक्त ये दोनों ही टीमें जो है वो बैटिंग ऑड्स के हिसाब से इक्वल रखी जा रही है। चलते हैं अगले मैच की तरफ, जहां पर हमें साशा बैंक वर्सेज आस्का के बीच में मैच देखने को मिलेगा। और इस मैच में अगर हम बैटिंग ऑड्स की बात करें तो साशा बैंक को फेवर किया जा रहा है बैटिंग ऑड्स के हिसाब से, और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग साशा बैंक इस मैच को जीतने वाली है। चलते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ, जो कि बहुत बड़ा मैच होने वाला है, जहां पर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर के सामने होंगे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। और अगर इस मैच की हम बैटिंग ऑड्स की बात करें तो इस मैच में रोमन रेंज को बैटिंग ऑड्स के हिसाब से फेवर किया जा रहा है और रोमन रेंज इस मैच को जीतने वाले हैं बैटिंग ऑड्स के हिसाब से। तो गाइस ये थे सभी मैचेस जो कि अभी तक ऑफिशियल हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो रॉ ब्रांड से ज्यादा स्मैकडाउन ब्रांड को यहाँ पर फेवर किया जा रहा है बैटिंग ऑड्स के हिसाब से, और यहाँ पर स्मैकडाउन की ब्रांड जो है वो जीतने वाली है। हालांकि बैटिंग ऑड्स काफी जल्दी चेंज भी हो जाते हैं, तो अभी टाइम है सर्वाइवर सीरीज को, स्मैकडाउन का शो अभी बचा है, तो हो सकता है कि उसके बाद बैटिंग ऑड्स जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाए और फिर हमें थोड़ा बहुत जो रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया बैटिंग ऑड्स के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो अगर होता है तो मैं आपको एक वीडियो के अंदर बिल्कुल बताऊंगा। फिलहाल के यही बैटिंग ऑड्स थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE के न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।